हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर लवर पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज इस बोनसाई ट्री को शेप दूंगा और इसकी जो ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो इसको मैं कम करूंगा। मैंने इसे कटिंग से ग्रो करा था और बरसात का सीज़न था तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो इसका लुक अब अच्छा नहीं लग रहा है। और बोनसाई ट्री होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है और जो उनकी ट्रंक होती है वो थिक होती है, तो इसकी ट्रंक को अगर ठीक करना है तो ऊपर से इसकी ग्रोथ रोकनी पड़ेगी, इसे ज़्यादा ऊंचा नहीं जाने देना है। अगर आपका बोनसाई ट्री जो है आप लेके आए हैं उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो आप उसे ऊपर से कट कर दें, उसकी प्रूनिंग करते रहें, उसकी ऊंचाई ज़्यादा ना होने दें तो वो उसकी ग्रोथ होती है वो नीचे से बढ़ती है और उसकी एरियल रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इस प्लांट की कटिंग करूँगा, इसे यहाँ से इस पोर्शन से मैं कट कर दूंगा, तो देखते रहिए वीडियो में और फिर उसके बाद आगे की ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है और अब इसकी जो लीव्स हैं वो मैं सारी रिमूव कर दूंगा क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि बोनसाई ट्री में छोटी छोटी लीव्स चाहिए होती हैं, पर जब तक इसकी लीव्स छोटी ना आए, अगर बड़ी आती तो उनकी प्रूनिंग करते रहें आप, तो धीमे धीमे करके छोटी आ जाती हैं कुछ प्लांट्स में। पर कुछ जैसे लीव्स के मामले में अगर बात करें तो बनियन बोनसाई है, मतलब बरगद का बोनसाई, उसमें जल्दी छोटी नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है, पर उसकी जो लीव्स होती हैं वो बोनसाई लुक दे भी नहीं पाती हैं। सबसे ज़्यादा अगर अच्छा बोनसाई लुक होता है तो फाइकस का होता है, फाइकस पांडा का, उसकी लीव्स छोटी होती हैं और बोनसाई लुक में बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप देखिए, मैंने सारी लीव्स हटा दी हैं इसकी और अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा बरसात में, बस 2-3 दिन मैं इसको भी थोड़ा शेड में रख दूंगा क्योंकि अभी इसकी प्रूनिंग की है और ऐसा ना हो प्रूनिंग करने के बाद ज़्यादा तेज़ अगर सनलाइट पड़ जाती है प्लांट पे तो उसकी ब्रांचेस सूखने लगती हैं। इसलिए देखिए, इसमें से वाइट कलर का लिक्विड लग रहा निकल रहा है, ये इसमें अभी थोड़ी देर बाद सूख जाएगा और इसे हार्ड कर देगा, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरीके का एंटीबैक्टीरियल लिक्विड होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लांट को। और नहीं तो आप फंगीसाइड या दालचीनी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्लांट में दिक्कत आएगी तो आप फंगीसाइड या दालचीनी लगा दें और उस मेन एरिया को कुछ पॉलीबैग से कवर कर दें जिससे मॉइस्चर ना जाए। और गर्मी टाइम पे तो प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही हो। अगर आपने अपने प्लांट की प्रूनिंग की और उसका कोई हिस्सा जो प्रूनिंग करने वाला है वो खुला रह गया तो उस वो पूरा ड्राई होने लगता है धीमे धीमे करके, और आप देख सकते हैं अब इसका 20 दिन में कितनी अच्छी ग्रोथ होने लगी है। इसकी सारी नई लीव्स आ गई पर ये भी बड़ी आ गई है, तो अभी कुछ दिन में मैं इनको भी हटा दूंगा और इसके जो स्टेम्स और न्यू ब्रांचेस हैं इनको मैं शेप दे दूंगा वायर से, और इसकी जो मेन बीच में ब्रांच है इसे थोड़ा अलग लुक देना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से सीधी ऊपर जाएगी। ये देखिए, 10 दिन बाद ये कुछ ऐसा हो गया। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है बरसात के टाइम पे, अब धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी और थोड़े दिन में ये बहुत ही अच्छा बोनसाई लगने लगेगा। तब भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके किसी और वीडियो के साथ में अपडेट दे दूंगा इसका भी। और इसकी लीव्स का शायद बोनसाई ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी लीव्स छोटी हों, ज़्यादा बड़ा लीव का बोनसाई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ी बहुत प्रूनिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके उसका लुक बन जाता है। और वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा।